हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जयपुर अजमेर टोंक के बीच का ये तिकोना जंगल ट्रकों के लिए बरमुडा ट्रायंगल से कम नहीं है। यहाँ से गुजरने वाले सारे ट्रक्स कहाँ गायब हो जाते हैं आज तक पता नहीं चला। पिछले 6 महीने में 33 ट्रक ड्राइवर्स या तो गायब हो गए हैं या फिर उन्हें मार दिया गया है। और 6 महीने की इस गुत्थे को सुलझाने के लिए हमें मिले हैं मात्र 48 घंटे। वही मेरी लिट्टी चोखा, तू फिर रसोई में घुस गई। और तेनू मैंने कहा थी ना कि डिलीवरी तक कोई काम नहीं, तू है कि तेरे कानों पे चुई नहीं रही। अरे बक, मुझे आ जाएगी तो कुछ बुझाता नहीं आपको, कहीं भी शुरू हो जाते। और बस मेरी बिहारन कितना चलान काटेगी है? और देख, हमेशा देख के तो पराठे भी जल जाते हैं। जलने वाला लोग सबको ना हम पटना में ही छोड़ा है साहब जी, अब किकरा डर? हाय मेरी बिहारन, ये तो जासूस सब देख रही थी। तो क्या जासूस को भूख लगेगी तो क्या किचन में भी नहीं आएगी? अरे रे 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 मैडम जी, हम अभी नाश्ता बनाते हैं आपके लिए। ओए नहीं 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 नहीं, तू बैठ, मैं बनाऊंगा। चल अरे चल चल चल, मैं बनाऊंगा। आज से वेटर भी मैं और बावर्ची भी मैं। चल कौन चलाएगा? ओ छोटे जासूस के आने तक पापा जी ने छुट्टी ले ली है। चल चलो चलो, तुम भेजो 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 भेजो। भेजो आराम ना। ओए मेरी जासूस, अभी तक रूसी है पापा से। चीटिंग जो किया आपने, कल बोल रहे थे कि छुट्टी ले लिए और आज देखो। सॉरी बेटा जी, इस ट्रिप के बाद पक्का छुट्टी ले लेंगे, प्रॉमिस। बस बस, बादा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सब निभाइए लेंगे। ओ यार, तो इस बार मेरी जवान पत्थर की लकीर ही सी, पर की करा, किस्मत दी लकीर पलट गई। ओ सोच, साड़ा बेबी वड्डा लकी हैगा, वो आने से पहले ही मुनाफा दे रहा है। सोच बलजीत पाजी इस ट्रिप के बदले बहुत सारे पैसे दे रहे हैं और तेरी डिलीवरी का खर्चा अलग से। बलजीत भाई जी को कब बुझाता है, उनके पास कोई दूसरा ड्राइवर नहीं है का? साहब जी आप भी हालत में हमको छोड़ के जा रहे हैं। यार अब ये रूस ना छोड़ के स्माइल कर दे यार, नहीं तो मेरा पूरी ट्रिप में मूड सैड रहेगा, सोच ले। कर दे स्माइल यारा, कर दे। हाँ जी बलजीत पाजी। अभी तक निकला ही नहीं? अरे जल्दी आ जा, अगर हम जोत पार्टी बाहर इंतजार कर रही है। अरे देर हो गई है इसलिए भड़क रही है मुझ पर। जी कौन साहब? अरे वही जिनका माल लेकर जाना है। अरे जल्दी आ जा, माल भी लोड करना है। हाँ जी हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ आ जा आ जा। तो ध्यान रखिए अपना है ना, रोटी टाइम नाल खाई, और जो मैं कैप्सूल लेके आया था वो जरूर खाई। और तू शैतानी बिल्कुल नहीं करनी, मम्मी को परेशान नहीं करना, उनका ख्याल रखना है, ठीक है? पढ़ाई जरूर करी। कोई दिक्कत हो तो मैंने फोन जरूर करी। चलना धूल मिट्टी का खाने निकल पड़े? सोना वाना छुपा रखा है क्या पीछे? RG XX258 9 इस ट्रक का नंबर है जो मिसिंग है। सर ऐसा क्या खास है इस ट्रक में जो आपको इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा? तुम तो जानते ही हो, सालों से RPCS प्रीलिम एग्जाम्स के पेपर लीक होने का मुद्दा गरम है। यस सर, बट आई एम श्योर इस बार स्टेट में कहीं भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुए हैं और एग्जाम भी सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। लेकिन इस बार इस एग्जाम के आंसर शीट्स ही गायब हो गए। आंसर शीट्स गायब हो गए? हाँ,
6 अक्टूबर को वो सारी आंसर शीट्स एक लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में लोड होकर निकली और कल रात 8 बजे तक उन्हें MCS यूनिवर्सिटी पहुंचना था, लेकिन ट्रक अभी तक गायब है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की सारी हायर अथॉरिटीज पैनिक मोड में है। रिजल्ट अनाउंसमेंट की डेट नजदीक है और इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं, पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट की रेपुटेशन दांव पर है। पर आंसर शीट्स जैसे इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को हायर क्यों किया गया? क्योंकि पेपर लीक होने की घटना के बाद एग्जामिनेशन बोर्ड ने इनफॉर्मली पूरे रेगुलेटरी सिस्टम में कुछ फेरबदल किए थे और ये डिसीजन भी उनके सेफ्टी प्रिकॉशन का ही पार्ट था। एक एग्जामिनेशन IO उस ट्रक में ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहा था, लेकिन शायद उनका प्लान लीक हो गया। सर, आपने बताया कि ट्रक का GPS शाम 6 बजे से डीएक्टिवेटेड है। हाँ, डिटेल्ड GPS हिस्ट्री, IO एग्जामिनेशन और ड्राइवर का प्रोफाइल मैं तुम्हें मेल कर दूंगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं और 48 घंटे के अंदर हमें वो सारी आंसर शीट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट को हैंडओवर करनी है। वी विल डू द बेस्ट सर। और एक बात का ध्यान रखना, सो मीडिया को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए और अपने साथ उन्हीं ऑफिसर्स को रखना जिन पर तुम भरोसा करते हो। तेरे शादी का युग नजदीक लग रहा है विश्वजीत, कोई लड़की पसंद की है क्या? आइए मास्टर जी, देखिए आपका चेहरा भी प्यार में पड़ गया, कैसे शर्मा रहा है। पंडित जी, आपकी वर्दी। धन्यवाद पंडित जी, हमें भी धन्य कर दीजिए, हमारा हाथ दिखिए और बताइए हमें छुट्टी कब मिलने वाली है। तुम्हारे हाथ का क्या, पूरे पुलिस महकमे का चांद और पर्वत डिस्टर्ब है। ऐसा लग रहा है कि हम सब किसी भूल भुलैया में भटकने वाले हैं। इतनी उथल पुथल होने वाली है कि सोने के लिए भी नहीं मिलेगा और तुम छुट्टी की बात कर रहे हो। अरे पंडित जी आप भी। सर। यस सर। अगमजोत सिंह, आंसर शीट ले जाने वाले ट्रक का ड्राइवर। गौतम भैया, एग्जामिनेशन आई, ये दोनों भी उस ट्रक के साथ गायब। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर शाम 6 बजे तक की GPS हिस्ट्री हमारे पास आ चुकी है। ये जो रूट है हमें यहां पर इंक्वायरी करनी होगी, लेकिन सबसे पहले जो ट्रक की लास्ट लोकेशन है देहना, वहां पर फोकस करना होगा। ट्रक देहना जयपुर रोड के आगे जो जंगल है वहां से गुजरने वाला था, तो पूरे चांसेस हैं कि यहां से कोई क्लू मिले। अगर ये कोई प्लैंड कॉन्स्पिरेसी है तो ड्राइवर अगमजोत भी इन्वॉल्व हो सकता है। बैकग्राउंड तो हमें गौतम भैया की भी चेक करनी होगी, भले ही वो एग्जामिनेशन बोर्ड का ट्रस्टेड आई हो, लेकिन जो भी करना है 48 घंटे के अंदर करना है। जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता कोई अपने घर नहीं जाएगा, मैं भी नहीं। इस केस से जुड़ी एक एक बात कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ हम लोगों के बीच रहेगी। क्लियर सर। उस ट्रक का जो ओनर है बलजीत राणा, उसे कहो कि ट्रक ड्राइवर अगमजोत की फैमिली को भी नहीं बताया कि ट्रक मिसिंग है। ओके सर। बलजीत भाई जी, सच सच बताइए कहाँ भेजे हमारे पति को? अरे काम से भेजा है, आ जाएगा वो। आप कब से यही कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कहीं बाहर जाए और फोन ना करे। कहाँ भेजे पता दीजिए हमको। अरे खुशबू क्यों ड्रामा कर रही है? अरे फोन की बैटरी भी चली गई होगी ना। ड्रामा हम कर रहे हैं या ड्रामा आप कर रहे हैं झूठ बोल बोल के? अरे तुझे जो सोचना है ना वो सोच। अरे हम तो अगमजोत को पैसों से मदद करने की सोची थी। चूल्हा में गया आपका पैसा, कहाँ भेजे हमारे पति को? अरे ठंड रख खुशबू, मैंने बोला ना कि वो आ जाएगा, आ जाएगा तो बस आ जाएगा। क्या कीमती सामान है उस माल में? हमारे छोड़ दे, हमें कुछ नहीं पता, माल के मालिक वो है, उनसे पूछ, हमारे छोड़ दे कमीने। अरे अंग्रेजी झाड़ेगा। Ah!
छेती फोन उठा मेरा, छेती फोन उठा। यार खुशबू, कोई बड़ी मुसीबत में फंस गया यार। मैं नहीं लग रहा कि मैं वापस आ पाऊंगा। तू अपना ख्याल रखी। ट्रक के जीपीएस डिवाइस ब्रेक होने से आधे घंटे पहले की फुटेज है, देना के पास की। जब गौतम और हम जो देख रहे हैं, ये देखो। इस एरिया में इनके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा है। जल्दी करो मनीष, 48 घंटे की डेडलाइन है, 7 घंटे हो गए, 41 घंटे बचे हैं हमारे पास और अभी तक हमारे पास कोई स्ट्रांग लीड नहीं है। छोटू आजा, ऑर्डर ले ले, ऑर्डर ले ले, ऑर्डर। हाँ साहब, केला हूँ थारे लाने। सर आप देख, मैं आज ही भर के दारू पीऊंगा और गाड़ी तू चलाएगा। अरे उस्ताद जी, गाड़ी तो मैंने अभी अभी नई नई सीखी है। मैं हूं ना। एक झंडे सी दारू लाया रे, चौकी दारू ना थारे पास? इतने ऐसे ही मिला करे साहब। चुप। एक तो गंदी दारू और ऊपर से दांत दिखावे। सॉरी उस्ताद जी। ओ भाई साहब, मारे पास अंग्रेजी से। आजा, मैं भी पीने वाला जोड़ीदार ढूंढ रहा था। बिना किसकी फोकट ना पीवे। पी लेते ना। अंग्रेजी पिलाओगे? अंग्रेजी से भाई साहब। खाना वाना सब हमारी तरफ से। ठीक से तंदूरी चिकन मंगा ले। ऑर्डर कर क्या? अरे भाई साहब, छोटा तो है ही ना। अरे मैं मंगाऊ ना। अरे सुमन, एक काम करो, मैं ले रहा हूं। हाँ ट्रक ड्राइवर अगमजोत और एग्जाम आईओ गौतम अय्यर के बैकग्राउंड में कुछ भी सस्पिशन नजर नहीं आ रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले माफिया से जुड़ा केस है भी या नहीं, क्योंकि आंसर शीट्स के गायब होने के पीछे कोई मकसद क्लियर नहीं हो रहा है। आई नो सर, हमारे पास 36 घंटे से भी कम बचे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर। ओके सर। सर दिनेश गुप्ता जी हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं और उनका भी ट्रक गायब हो गया सर।
सर मेरा ड्राइवर अरहर दाल की डिलीवरी देने अजमेर गया था, आज सुबह ही उसको डिलीवरी करनी थी, लेकिन कल रात से उसका फोन बंद आ रहा है और डिलीवरी भी अब तक नहीं हुई। कहीं फंस गया होगा, पहुंच जाएगा। अरे सर पिछली बार के जैसे झूठी उम्मीद मत ला दिए। पिछली बार के जैसी मतलब? सर पिछले महीने भी इनका एक ट्रक ड्राइवर गायब हो गया था, और ना ही वो ट्रक मिला ना ही ट्रक का ड्राइवर। सर ऐसे ही महीने के महीने ट्रक गायब होंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? ऊपर से ड्राइवर के घर वालों ने ऑफिस में आकर मातम मचा रखा है। आपके ट्रक में GPS लगा है क्या? नहीं सर। ठीक है, जैसे ही हमें आपके ट्रक के बारे में कोई अपडेट मिलती इन्फॉर्म करेंगे आपको। ठीक है सर। सर एक तरफ एग्जाम बोर्ड की आंसर शीट का ट्रक गायब हुआ और दूसरी तरफ अरहर की दाल का ट्रक गायब हुआ, ये कोई इत्तेफाक हो सकता है क्या? ये इत्तेफाक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पिछले महीने भी इसका एक अनाज से भरा हुआ ट्रक गायब हुआ है। हम इस केस को क्वेश्चन पेपर लीक माफिया से जोड़कर देख रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंगल कुछ और है? सर मैं तो पहले से यही आकलन कर रहा था, ये देहना से जंगल की ओर जाने वाला रास्ता नैऋत्य कोण में है। नैऋत्य कोण मतलब? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नैऋत्य कोण की दिशा होती है, इसे राक्षसों की भी दिशा कहा जाता है। सर अगर किसी के घर का साउथ वेस्ट बिगड़ जाए तो उस घर के लोगों में राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। पाठक जी बंद कीजिए अपना ये आकलन और पता कीजिए पिछले महीने कोई दूसरा ट्रक या व्हीकल गायब हुआ है क्या। अब जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इलाके में कोई व्हीकल रॉबरी गैंग एक्टिव हो गया है? जी से मिलना है। क्या हुआ? हमें बड़े साहब जी से मिलना है। हाँ लेकिन हुआ क्या है? इतना सब कुछ हो गया हमारे साहब जी के साथ और आप लोगों ने हमें नहीं बताया। बलजीत भाई जी को भी मना कर दिया कि हमें कुछ ना बताएं। बलजीत कौन? जिनके यहाँ ट्रक चलाते थे हमारे पति। बलजीत राणा? हाँ, अगमजोत जी की पत्नी है हम। बड़ी मुसीबत में फंस गया यार, मैं नहीं लग रहा कि मैं वापस आ पाऊंगा। सर जी हमारे साहब जी को ढूंढ दीजिए। सर जी आपको अंदाजा तक नहीं है कि हम पर का गुजरती। उससे पहले मैंने इतना घबराहट अपने सब्जी की आवाज में कभी नहीं सुनी। उन्हें ढूंढ दीजिए सर जी। खुशबू हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी। उन्हें कुछ हो गया तो? हिम्मत रखिए खुशबू। ये बताइए ये जो वॉइस मैसेज है, इससे पहले अगमचोर से फोन पर कब बात हुई थी आपकी? हमारा उनसे एक वीडियो कॉल हुआ था। बड़ी चंगी लग रही है। चिंटू के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। ओए जा एंजॉय कर। ये तो एंजॉय कर भी करेगी, आप कहाँ एंजॉय कर रहे हैं? ओए कहीं नहीं, ऐसे ढाबे पे रुके सी चाय पीने। अच्छा ये जो वीडियो कॉल हुआ था कौन सा ढाबा था वो, कौन सी जगह थी? ये तो हमने नहीं पूछा साथ। अच्छा कब हुई थी बात? कॉल हिस्ट्री में डेट और टाइम मैं चेक करता हूँ। ये वीडियो कॉल हुआ है 5:38 में और GPS डीएक्टिवेट हुआ था कल शाम को 6:00। क्या हुआ सर जी? अब प्लीज थोड़ी सी देर के लिए बाहर बैठिए, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। प्लीज। कल शाम 5:30 की CCTV फुटेज है हमारे पास जो देना रोड की है। ये वीडियो कॉल हुआ था 5:38 पर। उस इलाके में जितने भी ढाबे हैं सब जगह इंक्वायरी करो। GPS डीएक्टिवेट हुआ है 6:00 के आसपास। हमें पता करना होगा कि 5 से 6 के बीच में क्या क्या हुआ और पता करो कि वॉइस मैसेज भेजते वक्त अगमजोत का फोन कहाँ एक्टिव था और वो जो सेकंड ट्रक का ड्राइवर है बिना कॉल हिस्ट्री निकालो उसके हेल्पर की। क्विक। ओके सर।
चलिए, सर ने आपको घर छुड़वाने के लिए बोला है। पर सर जी तो बोले थे कि वो हमें दोबारा बुलाएंगे। हाँ, अभी जो पूछना था वो पूछ लिया। अमन ज्योत के बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। हमें भी यहाँ रहने दीजिए ना सर जी। आपके यहाँ रहने से क्या होगा? देखिए, आपकी बच्ची छोटी है, आप पेट से हो, आप घर जाइए। सर जी, अपना बच्चा का कसम खाकर आए थे कि उसके पिता को वापस लेके जाएंगे। आप हमारे पति को ढूंढ दीजिए, हम उनके साथ वापस चले जाएंगे। अरे अब तो अक्कल ठिकाने आ गई होगी दोनों की। बोल, क्या कीमती सामान है उस माल में? जबान ना खोलेगा, मुंह सिल दूं तेरा। इंक्वायरी की तो पता चला है कि पिछले 6 महीने में 13 ट्रक ड्राइवर्स की मिसिंग कंप्लीट फाइल हुई है। और शॉकिंग बात यह सर कि ये 31 ट्रक ड्राइवर्स भी ट्रक समेत गायब हैं। और रिसेंटली अब ये 2 ट्रक ड्राइवर्स, यानी कि टोटल 33। सर अभी तक इन सभी केसेस को इंडिविजुअल मिसिंग केस मान के इन्वेस्टिगेट किया गया और इन सभी ट्रक्स में अनाज, दाल, सब्जी जैसे एसेंशियल फूड आइटम्स थे। और अब ये एग्जाम की आंसर शीट से लोडेड ट्रक का गायब होना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी भूल भुलैया में उलझे हैं? ये जो 31 केसेस हैं, इन सब की फाइल हमें जल्द से जल्द स्कैन करनी है। ओके ओके सर। हाँ बजरंगी, बोल। सर, अगमजोत के फोन की लास्ट लोकेशन देहरा में जहाँ थी वहाँ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वहीं पास के जंगल में एक लाश मिली है। सर, ये एग्जाम आयोग गौतम अय्यर की लाश है। सर, इसके होंठ भी सील दिए गए। अगर गौतम को इतना टॉर्चर किया गया है तो अगमजोत को कितना किया गया होगा? सारा दिन खेल 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 फिर इसको बाप है तू, जान लेगा तू उसकी। रहने दे माँ, नहीं चाहिए ऐसी निकम्मी औलाद। हाँ हाँ, तू लायक है ना, तुझसे अच्छा तो इसका ताऊ है। अरे डकैत है वो, मेरा राजा बेटा है वो, गांव की बहन और बेटियों की रक्षा करता है वो, तू तो उसकी जूती बराबर भी नहीं है। दादी, ताऊ जी सच में राजा थे? हाँ, हमारे पूर्वजों ने यहाँ राज किया था, हम चंद्रकुल के हैं। चंद्रकुल? हाँ, पूनम की रात को तेरे बड़े से भी बड़े दादा हम सबको आशीर्वाद देने धरती पर उतरते हैं, और तेरे ताऊ जी पर तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दीना की लाश, इसकी आंखों को सिल दिया है, गौतम के होंठ सिल दिए थे और इसकी आंखें सिल दी। आखिर कौन कर रहा है ये सब? मम्मी पापा कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा, जल्दी आएंगे। सर, ये सिर्फ आंशर सीट्स के गायब होने का मामला नहीं है, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इन्वेस्टिगेशन हमें इस मोड़ तक ले आएगी। आई नो सर, हमारे पास 20 घंटे से भी कम का समय बचा है, बट एट द एंड और भी गड़े मुर्दे निकलने वाले हैं। ओके सर। सर जी,
हूं, तुम्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम आगम जोत को ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसको ढूंढ लेंगे। इस हालत में तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं है, प्लीज अपने घर चली जाओ। घर? सर जी, हमारा घर तो हमारे साथ जी। पिछले 31 केसेस की पूरी अपडेट मिली है सर। उन 31 ट्रक ड्राइवर्स में से 5 की लाशें मिली थी और उनमें से किसी भी ड्राइवर का कोई भी अंग सिला नहीं गया था। हाँ, उनके कपड़ों पे एक अलग तरह का डिजाइन बना हुआ था। इनकी फैमिली से पता किया तो उन्होंने बताया कि ये डिजाइन उनके कपड़ों पे पहले नहीं था। मतलब वो डिजाइन उनको मारने वाले ने बनाया? पॉसिबल है सर। और इन 13 विक्टिम्स की लास्ट लोकेशन इसी जंगल के आसपास की थी। जयपुर अजमेर टोंक के बीच का ये तिकोना जंगल ट्रकों के लिए बरमुडा ट्रायंगल से कम नहीं है। यहां से गुजरने वाले ट्रक्स कहां गायब हो जाते हैं आज तक पता नहीं चला। पिछले 6 महीने में 33 ट्रक ड्राइवर्स या तो गायब हो गए हैं या फिर उन्हें मार दिया गया है। और 6 महीने की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें मिले हैं मात्र 48 घंटे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये कोई नेक्सस है या फिर गैंग। ये कोई गैंग है सर जी या कोई नरपिशाच? मेरा आकलन कहता है। आकलन नहीं, इन्वेस्टिगेट करो पाठक जी, इन्वेस्टिगेट। आकलन सबके पास है, बात ऐसी करो जो फैक्ट है। कोई लीड है, कोई क्लू है आपके पास तो बोलो। तुम में से किसी को कुछ कहना है? कहना है कुछ? यानी हम में से किसी के पास कुछ नहीं है, ना कोई लीड है ना कोई क्लू। इस केस को सोल्व करने के लिए जो हमें 48 घंटे मिले थे उनमें से मात्र 18 घंटे बचे हैं हमारे पास। जहां से शुरुआत की थी वहीं खड़े हैं हम। हो पाएगा तुम लोगों से? कर पाओगे? दादी दादी, ताऊ जी कब आएंगे? जल्दी आएंगे। तू जा थोड़ा सा धनिया लेके आ, तेरे ताऊ को धनिया की महक बहुत पसंद है। ठीक है। दादी, बाहर नए नए आदमी घूम रहे हैं। आपने बोला था अगर नए आदमी दिखे तो। लगता है तेरे ताऊ के आने की खबर पुलिस को मिल गई है। पीले सफेद कपड़ा बाहर जाके ये कपड़े को बांध ले। इससे क्या होगा? अरे इससे तेरे ताऊ को पता चलेगा कि यहाँ पे खतरा है। ठीक है। ड्राइवर दीना के गायब होने के बाद उसके नंबर से आखिरी कॉल किसी कन्हैया लाल को हुआ था। उसके एड्रेस पे गए तो पता चला कि ये तो 2 साल पहले ही मर चुका है। फिर भी उसके नाम पे सिम एक्टिव था। जी हाँ सर, ये तो हम सब जानते हैं सर कि क्रिमिनल्स इसी तरह से मरे हुए लोगों के आईडी पे सिम ऑब्टेन करके क्राइम करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि किलर ने दीना के नंबर से कॉल किया। कन्हैया लाल वाले नंबर की कॉल हिस्ट्री, कॉल लोकेशन स्कैन की? जी हाँ सर, कॉल हिस्ट्री में तो कुछ नहीं मिला लेकिन ये नंबर अक्सर दीना की अनाज मंडी में एक्टिव रहता था। अनाज मंडी? ये दीना का ट्रक भी अरहर की दाल की डिलीवरी लेके जा रहा है। जी सर, इस मंडी में अपने इन्फॉर्मर एक्टिव कर दिए हैं। एक बीड़ी देना। एक अरहर दाल का थोक व्यापारी मिला है, बाजार भाव से काफी सस्ती दाल मिलती है उसके पास। खम्मा घड़ी भाई साहब, खम्मा घड़ी बोलो, कहीं सेवा करूं? भाया, मारे को मारी छोरी की शादी के वास्ते अनाज चावल, यही दाल चावल 5,000 लोगों का जमावाड़ा से, बस थारे से यही विनती से भाव ठीक से लगाए। भाई रेट की तो ते चिंता ही को नहीं करो, ते बोलो कहीं कहीं चावे थाने? अजय भाया, ये हर की दाल के भाव चल रहे हैं? बाजार भाव 12,000 क्विंटल है लेकिन मैं था के लिए
11,500 लगा दूंगा। ना भाया ना ना ना, ना। लागे से मारी दाल ऐठो कोनी गले। अरे रुको रुको, अरे रुको भाई, 9,000 रुपए क्विंटल हो जाएगा। वैसे भाया ये आतरी सस्ती दाल लाओ कट्ठे से। थाने थाने का ही मतलब ये बात सारी बातों से? अरे इन बातों से तो मतलब से गलत। अरे बिना सबूत के थे माने अट्ठे नहीं डाल सकते। ये कानून में से कहा मुझे? तेरी दुकान में एक फोन मिला है जिसमें एक मरे हुए आदमी के नाम से खरीदावासी में के टीना नाम के आदमी ने आखिरी कॉल किया था तुझे। मर्डर हो गया उसका। मर्डर चार्ज लगेगा तेरे ऊपर सबूत के चाचा। मारो, इस मर्डर से कोई लेने देने को नहीं। मारे तो बस सस्ता दाल अनाज बेच वाले लोग आ रहे, बी नंबर पे कॉल आवे है बस। कौन है वो? सर जी, मारे को इतना पता है कि ये कोई ट्रक बेचने वालों और ग्रोह है। करीब 6 महीना पहला रही बात है, मारे पास कॉल आया था मारे असली नंबर पे। बहुत ही सस्ता दामा रहे दाल अनाज बेचने की मारे से बात कर रहे थे। इस तरह का लोगों से बात करवा वास्ते ही वो सिम वाला नंबर हमारे को रखना पड़े है। चोरी का माल खरीदते वक्त शक्ल तो देखी होगी उसकी? नहीं साहब जी, पूरा खुफिया सिस्टम है बीको। मारे को फोन करके वो जंगल में बुलावे हैं और जंगल में माल से लदो ट्रक मारे को मिल जावे हैं। बस मारे को इतना ही पतो है। जिस नंबर से भी तुझे कॉल आते थे वो सारे नंबर लिख के दे। साहब जी, वो तो हर बार अलग अलग नंबर से बात करते थे। अरे नंबर्स को सर्विलेंस पे डाल भी दे सर, तो भी मुझे नहीं लगता कि जल्दी से हमारे हाथ कुछ लगेगा। 13-14 घंटे में इतने बड़े केस को क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पाठक जी, जल्द से जल्द उस ढाबे पर पता करने के लिए कहा था, कर क्या रहे हो यार? सर ढाबे तो दिना रोड पर बहुत से हैं, लेकिन किसी ने भी विक्टिम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। वैसे वहां पर हमारे इन्फॉर्मर लगे हुए हैं सर। पर यहां पर कर क्या रहे हो? एक मिनट सर। डन सर। क्या डन? सर इस केस का सबसे बड़ा क्लू चंद्रमा है। चंद्रमा? हाँ सर। सर ये पुराने 31 विक्टिम्स हैं जो पूर्णिमा वाली रात के आसपास के आए हुए थे, और इस बार के दोनों क्राइम 14 और पूनम की रात को घटित हुए थे। सही कह रहे हो पाठक जी, क्लू सिर्फ चंद्रमा नहीं है, एक और है तारा। ये देखो, ये जितने भी विक्टिम्स हैं इन कपड़ों पे जो कॉमन डिजाइन है ये एकदम तारे जैसा है। लेकिन सर चंद्रमा और तारा, इन दो क्लूज के साथ हम क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे? यही तो डिकोड करना है मनीष, कि ट्रक ड्राइवर्स को मारने वाला गैंग उनके कपड़ों पर ये तारे का डिजाइन क्यों स्टिच करता है। यस सर। ये लो लिट्टी चोखा। वही मेरी लिट्टी चोखा? तो फिर रसोई में घुस गई, और तेनु मैंने कहा सी ना कि डिलीवरी तक कोई काम नहीं। हुकुम। हाँ आओ आओ आओ, कमांगड़ी। हुकुम कुछ काम था क्या? हुकुम जो मैंने अट्ठे बुलाए। हाँ 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 काम था। ये देखो, ये जो शर्ट है ना, शर्ट पे जो स्टिचिंग है, ये अपने एरिया में ऐसे कितने टेलर हैं जो ये बना सकते हैं? हाँ सर, ऐसे काफी सारे टेलर्स हैं आसपास के इलाके में, कुछ को तो जानता भी हूँ मैं। ठीक है, जितने भी हैं जो तुम्हें लगता है कि ये तारा बना सकते हैं उनकी एक लिस्ट बना के पाठक को दे देना। ठीक है सर। अरे सर ये क्या, आप ये पंडित जी की तरह इन सब स्टोन्स पे विश्वास करते हैं? नहीं, मैं तो ये सब नहीं मानता हूँ। मेरी वाइफ को ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो बस उसका मन रखने के लिए पहन लिया। वैसे मानना चाहिए सर। ये जो टेलर है जो ये बना सकते हैं, इनकी लिस्ट बनाकर जितना जल्दी हो सकता है पाठक को दे दें। जी जी। ताऊ जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी छोरे। अच्छा तुम्हारी दादी कैसी है? एकदम बढ़िया। आपके और मेरे पुरखों के बहुत किस्से सुनाती है मुझे। अच्छा। हाँ अच्छा, सुन बेटा,
तुम्हें मेरे नक्शे कदमों पे चलना है, ठीक है? वाह बड़े भैया, यहाँ आके आपने लॉटरी लगा दी मेरी। पैसों की खातिर पुलिस का चमचा बन गया तू, अपने कुल का दाग बना। माँ ये दाग था हमारे कुल का। थू तेरे पर। बढ़ा रहा हूं, आज की छुट्टी तेरी। क्या हुआ सर? सर मुझे मुझे क्यों सर? अरे ये भी पूछताछ की थी ना? हाँ बजरंगी, क्या पकड़ा गया सच में? चलो आता हूँ। अरे पंडित जी, आपको तो पीने के लिए बोल ही नहीं सकता। लेकिन तूने आज बहुत चढ़ा रखी है। बस ऐसे ही। अच्छा वो आपका चांद तारा पकड़ा गया? हाँ धर तो लिया है। चलो अच्छा हुआ, साले ने हर पूनम की रात पे बवाल मचा रखा था। अच्छा पियोगे नहीं, कुछ खाना तो खाओगे ना? नहीं नहीं भूख नहीं है। अरे नहीं पंडित जी, कुछ तो खाना खा लो। अच्छा ठीक है, एक नंबर करके आता हूँ। हाँ ये सुस्तु जाते जाते कहाँ आ गए पंडित जी? आपका कानून मारे हाथों में है पंडित जी। चला पंडित जी, आपसे कोई बैर ना से पंडित जी, सब लाख चौरासी का खेल। ये नौटंकी बंद कर। हाँ पहले लोगों को मारता है, फिर किसी का मुंह सीता, किसी की आंखें सीता है, और ये लोगों के कपड़े पे तारा तारा क्यों सीता है तू? हाँ क्या तारा? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कमल बाद में फोन कर। सर रंजीत पंडित जी को ले गया। What? फोन पुलिस पीसीआर 2658 अजय पंजाब डाबा से डिल्ला की तरफ गई है। इस रूट के हर चेक पोस्ट पर नजर रखो। वैसे मेरे ताऊ को भी तुम्ही पुलिस वालों ने मारा था। आपको अपने ताऊ की सजा नहीं दूंगा। कोई नहीं उधर देखो। पाठक जी कितना स्लो है तुम, जल्दी करो ट्रक को निकालो यहां से जल्दी।
एक तो इतना इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट है और तुम कहीं पे भी ट्रक को रोक देती है। पाजी आया, बस बैठो बैठो, आइयो जल्दी। हमारे पास अंग्रेजी से है, आ जा। तेरी गाड़ी में चले चल। उनसे बातों बातों में दोस्ती की और उनके खाने में शराब में नशे की दवा मिला थी और उन्हें उन्हीं के ट्रक में बंधक बना के ले गया। पूरे 33 लोगों को मारा है तुमने और अब देख हमारे साथी को भी। सब होने का खेल है सर, मरने भी धक्का लग गया था जब मेरा ताऊ मेरी आंखों के सामने ढेर हो गया। राजा से हमारा, हम चांद के कुल से, मेरे बड्डे से बड़ा सबसे बड़ा बाबा चंद्रमा का पुत्र है, ताऊ जी भी चंद्रलोक चले गए। धरती पे उन्हें उनका पुनर्जन्म करवाना है, मन्ने 84 मौतें उनको तार दी पर अभी 33 ही हुए, 51 अभी बाकी है। सनकी तो है तू, लेकिन ये सारे कांड तूने सड़क में नहीं किए, अनाज से भरे हुए ट्रकों को लूटते थे तुम, पूरा गैंग है तुम लोगों का। बोल कौन कौन है तेरे गैंग में? ये गैंग भी मैं अकेला सुन, साथ साथ सारे ट्रक भी अकेले बेचे मैंने। वो तो उस दिन परीक्षा के पर्चों वाले ट्रक को कीमती सामान समझ बैठा। इससे पहले जितने भी लोगों को मारा तूने कभी उनके अंगों को नहीं सिला, लेकिन गौतम का मुंह और दीना की आंखें क्यों सिले? अरे बोल ना रहा था, मुंह सिल दिया। दीना आंखें दिखा रहा था मैंने, नफरत सी हो गई उसकी आंखों से, सिल दी। सुमंत और अगमजोत का है, इसके अंदर जितना भी सामान है सारा सील करो क्विक। ओके सर। हमने ये केस सिर्फ 48 घंटों में सॉल्व किया है। इस केस की जड़ें इतनी गहरी थी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमने जो एक खूंखार अपराधी पकड़ा है, इसने कई राज्यों के ट्रक ड्राइवर्स को मारा था, पिछले 6 महीने में 33 ट्रक ड्राइवर्स का मर्डर किया। इसको पकड़कर हमने कई राज्यों की मासूम जिंदगियों को बचाया जो इसके टारगेट पर थी। पर बहुत दुख की बात है, इस मिशन में हमने हमारे एक काबिल साथी पुलिसकर्मी को खो दिया। ये जो क्रिमिनल है रंजीत, ये कई सालों से हमारी आंखों के सामने था। बड़े शान से चेहरे के पीछे छुपे एक क्रूर अपराधी को कभी हम देख ही नहीं पाए, कभी हम समझ ही नहीं पाए। अच्छा, ये जो रंजीत जैसे क्रिमिनल होते हैं, जो आम लोगों की तरह दिखते हैं, इनको पहचाना कैसे जाए? देखिए, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं, जो ऐसी बातें होती हैं जो हमें अनयूजुअल लगें, ऑड लगें, उन्हें कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी को भी किसी बड़ी अनहोनी से बचा सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।